हेलो आई हम बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में इस कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है सामने तो कैसा रहा इस कंपनी का रिजल्ट और क्या इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो ये वीडियो अंदर देखते रहना पीडी इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस कंपनी के शेयर की रिजल्ट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है सबसे पहले रिजल्ट के पहले इस कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है दस रुपये पर शेयर का इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को यहाँ पर डिविडेंड देने वाली है कंपनी इसी के साथ साथ कंपनी ने यहाँ पर से डिविडेंड का रेकॉर्डेड एक्सडेट यहाँ पर एन्य जोनल मीटिंग के अंदर बताने का बोला है तो एन जोनर मीटिंग के अंदर इस कंपनी के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट एक्स डेट पता चल जाएगी और डिविडेंड का पेड अप डेट यहाँ पर एनए जोनर मीटिंग के तीस दिन के बाद आप लोगों को ये जो डिविडेंड है पर शेयर आप लोगों को पे कर दिया जाएगा आप लोगों को बैंक अकाउंट में डायरेक्टली

सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के, के एक्सपेंस एक प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के सामने प्रेजेंटेड है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट में थोड़ा सा डाउनफॉल है बोल सकते हो कुछ ज्यादा इजाफा नहीं है कंपनी के रिजल्ट एकदम फ्लैट देखने को मिल जाता है जिसका इंपैक्ट शेयर के ऊपर नेगेटिव पड़ सकता है इसी के साथ साथ इस कंपनी के यहाँ पर पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी के रिजल्ट्स देखने जाते हो तो यहाँ पर ठीक ठाक देखने मिल

प्रोडक्ट बिजनेस है आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे एडेसिव मटेरियल्स जो यहां पर से जैसे कि आप लोग देखोगे फेविकविक uh, फेविकोल Favik जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर आप लोग इस कंपनी की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो और इनका नाम ही आप लोगों ने ऐसा ले लिया है कि यार ये आप लोग यहाँ पर इस कंपनी की प्रोडक्ट का नाम है ब्रांड का नाम है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी ने ऐसी ब्रांड वैल्यू इंडिया के अंदर क्रिएट की है जो यहाँ पर से आप लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फिर भी आप लोगों को शायद पता नहीं होगा और इसी वजह से ये कंपनी वैसे यार आप लोग इस कंपनी के नाम से नहीं पहचानते होगे पर इनके प्रोडक्ट्स आप लोगों ने ज़रूर से यूज़ किए रहेंगे ठीक है तो ये चीज़ ज़रूर से याद रखना जो आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हो तो मेरा ऐसा रेकमेंडेशन है इस कंपनी के शेयर को होल्ड रखना आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर में गिरावट आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है वैसे यार ये कंपनी के शेयर ने पिछले छह महीने के अंदर अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा दिया है वहां मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे इस कंपनी का आप लोग यहां पर से आ, या पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न या फाइव इयस का चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न कमा कर दिए अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी को आप लोग जितना टाइम दोगे ना इतना ये कंपनी पैसा कमा कर देगी मेरे को ऐसा लगता है तो जो आप लोग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हो तो जरूर से होल्ड रखना जो इन्वेस्टेड नहीं हो तो लोअर लेवल्स के ऊपर खरीदारी करने के मौके आते हैं तो जरूर से खरीदारी करके ना करके चलना बस आज के लिए नहीं वीडियो पसंद आता तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गुड बाई गुड बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में गुड बाय